साहब मनरम, योर साइंस टीचर। आज हम 8th स्टैंडर्ड को साइंस में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7। और हमारे चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट एंड वेलकम अगेन अवर क्लास। भाई देखो, जाहिर सी बात है, जिस हैबिटेट में आप लोग रहते हैं उस हैबिटेट में आपको इन्वायरमेंट का या प्लांटों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरीके से हम आपने देखा होगा कि हम लोग एक दूसरे पर डिपेंड हैं। चाहे प्लांट आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है उन पर, और ह्यूमन बीइंग वगैरह जो होते हैं वो इन लोगों के लिए प्रोटेक्शन, उनके लिए रहने के लिए जगह देते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, देखभाल करते हैं, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के जो होते हैं, एक के बगैर दूसरे का काम नहीं चलेगा। तो हमको जो होता है भैया, जाहिर सी बात है, सिर्फ यूज़ 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 नहीं करते रहने का है अपने चारों तरफ के सराउंडिंग को, अपने एनवायरनमेंट को, बल्कि उसमें कोई जो नेचुरल को हमको मिला है उसमें कोई डैमेज ना हो, ऐसे काम करने का। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो उसी से रिलेटेड रहेगा, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स होता है, नाम से ही पता चलता है, कंजर्वेशन, सुरक्षित करना। किसको सुरक्षित करना है? प्लांट्स को और एनिमल को। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने लिए यूज करते रहते हैं, उसके बाद में उनका क्या खर्च होगा वो नहीं ध्यान रखते हैं। तो अगर आप नहीं ध्यान रखोगे तो उनके कौन कौन से इम्पैक्ट हो सकते हैं, या लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि वो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करें। तो ये चैप्टर जो है इसीलिए इंक्लूड किया गया है अवेयरनेस के लिए, कि बच्चों भाई अपने सराउंडिंग को, अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखो। अगर आप नहीं रखोगे या आप उसका मिसयूज करोगे तो लॉन्ग टर्म में या हो सकता है इन फ्यूचर आपकी जो नेक्स्ट जो पीढ़ियाँ आने वाली हैं उनको काफ़ी चीज़ें जो होते हैं या काफ़ी प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो फेस करनी पड़े। तो हमारा मेन टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। पहले आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट पर हम पूरी तरीके से एक तरीके से डिपेंड हैं। हम क्यों डिपेंड हैं? हम अपने सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक के मैक्सिमम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो उसमें से करीब 90% चीज़ें जो होती हैं वो हमको फॉरेस्ट से ही मिली होती हैं। चाहे आप उसे आप कह लीजिए कि आप अपना बेड है, टेबल है, खाना है, पीना है, रहना है, अपनी एनर्जी अलग अलग तरीके की जो एनर्जी है वो यूज़ कर रहे हो, वो भी इनडायरेक्टली में कहीं ना कहीं से जो है वो प्लांटों से ही आ रही है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप दोनों तरीके से प्लांट आपके लिए फायदेमंद है। आप उनका मिस यूज़ करते रहोगे, लगातार यूज़ करते रहोगे, यूज़ करते रहोगे, तो एक टाइम आएगा कि उनकी लिमिटेशन खत्म हो जाएगी और वो आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम तीन रीजनों से होते हैं वो अपना डिफॉरेस्टेशन करते हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को काटना। जो प्रकृति ने हमको नेचुरली इतने सारे इतने अच्छे प्लांट्स एक जगह डिफरेंट वेराइटीज के दिए हैं वो फॉरेस्ट कहलाते हैं। और फॉरेस्ट में जो होते हैं वो फ्लोरा और फौना दोनों एक साथ रह रहे होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। हम क्या करते हैं, हम मेन या तो हम अर्बनाइजेशन कर रहे होते हैं या अपनी बेसिक नीड की वजह से वो उसको कट कर रहे होते हैं, या एक तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसकी जो डिमांड है या उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए भी हमको जो है डिफॉरेस्टेशन करना है। और लगातार अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लगभग सारे जंगल साफ, तब कहाँ से करोगे, तब कहाँ से अपनी चीज़ें लोगे? तो उसके लिए भाई हमको उनको सुरक्षित भी रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो सकता है कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होता है वो अपने सराउंडिंग में बढ़ती चली जाएगी। हो सकता है उसकी वजह से ज़रूरत से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ते रहे, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और ऊपर से जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें भी होल हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो डायरेक्ट सीधे सीधे हमारे अर्थ पर गिरेंगे, और ये जब अल्ट्रावायलेट किरणें गिरेंगे तो उसकी वजह से स्किन कैंसर तक हो सकता है। और इसके साथ साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे मान लीजिए जो हमारे डेली स्पेयर्स हैं उनमें जो बर्फ़ जमी रहती है वो हो सकता है पिघलना स्टार्ट हो जाए, और वो फिर जब पिघलेगी तो जाहिर सी बात है वो पानी बनेगा और पानी कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे जमीन को ख़त्म करते जाएगा और वो सारा जो स्पेस
पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मैक्सिमम जो एरियाज हैं जो अभी लैंड हैं, हो सकता है फ्यूचर में अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होता रहा या टेम्परेचर बढ़ता रहा तो हो सकता है कि वो सब जो होते हैं वो पानी में डूब जाए। और आपको काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मुंबई में जो हमारा मुंबई का सागर है वो हर क्या नाम है कुछ NM जो होता है वो डूबता जा रहा है समुद्र में, ठीक है कि नहीं। तो भैया ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े ऐसे काम करने का उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मैं कहती हूँ कि बाहर का ना करो लेकिन कम से कम अपने सराउंडिंग में जितना हो सकता है एनवायरमेंट को सुरक्षित रखें। जैसे आप अपना जो फ्यूल यूज़ कर रहे हो वो प्यूरीफाई करा करा हुआ यूज़ करो, उसे मिसयूज़ मत करो। जैसे रोड्स पे जो है लेकर के स्टार्ट करके चालू करके खड़े हुए हैं बल्कि बंद कर देना चाहिए था, ट्रैफिक पे जो होता है उसे बंद कर देना चाहिए था, टाइम टू टाइम जो होता है अपने व्हीकल की सर्विस करवाइए। तो प्लस आप घर में हैं तो घर में आपकी लाइट जो भी आपकी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको किसी न किसी तरीके से सुरक्षित करने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं जा करके इनडायरेक्टली वे में फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन में ही काम आएगा, कंजर्वेशन में ही काम आएगा, ठीक है। अब हमने फॉरेस्ट काट ले लिया, फॉरेस्ट से ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्लोबल वार्मिंग के साथ में आपका जो होता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो सकता है देखो प्लांट नहीं होंगे तो प्लांट का मेन काम क्या होता है जब बादल जा रहे होते हैं तो उनको वहाँ से रोक करके जब भरे हुए बादल होते हैं तो वो वहीं पर बारिश कर देते हैं तो आपको रेन मिलता रहता है। लेकिन अगर यदि प्लांट ही नहीं होंगे तो प्लांट कौन रोकेगा, हवा के झोंके के साथ में वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, कहीं पर बारिश ज़्यादा होगी और कहीं पर बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा जहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है यहाँ पर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर जो है वो क्या नाम है सूखा यानी रफ की कंडीशन आ जाएगी, मतलब भूखमरी की कंडीशन आएगी, हो सकता है ऐसी एक सीरियस प्रॉब्लम भी बन सकती है। और जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ फ्लड आ जाएगा, वहाँ पर इतना सब पानी गिरेगा कि वो सब चीज़ें जो दिखें वो आपकी पानी में डूब जाएंगी। तो मतलब दोनों तरीके से नुकसान होगा, अगर पानी बिल्कुल नहीं बरसेगा तो भी नुकसान होगा और पानी जरूर से ज़्यादा बरसेगा तो भी नुकसान होगा। हमको क्या करना है, हमको अपने सराउंडिंग में जो प्लांट्स हैं उनको लगाते रहना है, प्लस अपने फॉरेस्ट को जब तक ज़रूरत ना हो तब तक मिसयूज़ नहीं करना है, उनको काटने के लिए नौबत नहीं लानी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मान लीजिए बहुत टाइम तक जो होता है वो आपका बारिश नहीं हुआ, अब ड्रफ्ट की कंडीशन आ गई, प्लांट भी नहीं उग रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट भी नहीं उग रहे हैं, तो धीरे धीरे करके जो सॉइल होगी वो अपने मिनरल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी। और जब मिनरल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे फिर हो सकता है कुछ सालों के बाद में आप अगर प्लांट उगाने की कोशिश भी करेंगे तो भी प्लांट नहीं उगेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो होता है वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन जो होता है यानी कि धीरे धीरे डेजर्ट कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपका जो एरिया है वो डेजर्ट में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगे। आपने देखा होगा राजस्थान से टच हुआ गुजरात का जो कच्छ वाला पोर्शन है वो धीरे धीरे डेजर्टिफिकेशन में जो होता है वो कन्वर्ट होता चला जा रहा है। पहले वहाँ पर आप लोग प्लांट उगाते थे, डिफॉरेस्टेशन नहीं करते थे तो उसकी वजह से वहाँ पर थोड़े बहुत बारिश होती रहती थी जिसकी वजह से वो मेंटेन रहता था। लेकिन जैसे ही हमने उसे काटना स्टार्ट कर दिया, वहाँ के जंगल खत्म करना चालू कर दिया, डिफॉरेस्टेशन करना चालू किया, तो अब जाहिर सी बात है मिनरल्स भी वहाँ पे सॉइल में खत्म होने लगे तो वो धीरे धीरे करके जो है डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगा। अब डेजर्ट में कन्वर्ट होने का मतलब एक बार अगर डेजर्ट में कोई भी एरिया कन्वर्ट जाता है तो उसको हमें रिकवर करने में हजारों साल लग जाते हैं, मेंटेन करने में वहाँ पर बैलेंस बनाने में या वहाँ की सॉइल में जो होता है मिनरल्स ऐड करने के लिए वो छोटे छोटे एक्टिविटीज़ के थ्रू जो होते हैं वो मिनरल्स ऐड किए जाते हैं और उसमें बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि डेजर्टिफिकेशन को हम रोक सकें, ठीक है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन उसको अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपको, जैसे फर्नीचर वगैरह के लिए पेपर बनाने के लिए हमको डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है तो उसके बिहार में आप एक काम कर सकते हैं, रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। या जैसे मान लीजिए आपको यहाँ एक एरिया का आपको जैसे ये एरिया है मान लीजिए यहाँ पर आपने प्लांट्स को काटना स्टार्ट किया, कोई बात नहीं ऐसा एरिया जहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है वहाँ पर प्लांटों को उगाना चालू कर दो। या आप यहीं पर अगर प्लांटों को काट रहे हो तो इतना काटो कि वो दोबारा से फिर जनरेट होकर के बन जाए, उस पोर्शन से काटो, क्योंकि कई कई चीज़ें होती हैं स्टेम से अगर काट जाती है तो फिर से कुछ टाइम में जो होते हैं तो वो आपको दोबारा से जो होते हैं वही सब चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है कि नहीं। जैसे थोड़ा काटा आधा छोड़ दिया फिर रिकवर होने दिया, रिकवर जब हो गया तो फिर
कभी ना कभी फ्यूचर में जो है वो एक फॉरेस्ट का रूप या फिर जब प्लांट बढ़ी जाएंगे तो वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में हेल्प करेंगे आपको, उसे कहते हैं रीफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब आ रहा है हमारी वर्क में जो है वो आपने देखा होगा कि हमारे कई सेक्शन में होता है कि कई जो है जैसे कहीं पर पानी पानी है, कहीं पर जो है वो एक्वेटिक मतलब जहाँ पर एनिमल रहते हैं, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर लैंड है, लिथोस्फीयर है। इसी तरीके से एक हमारा जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स होता है लैंड वाला और पानी वाला जो होता है दोनों का कॉम्बिनेशन का ऐसा पोर्शन जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल दोनों रहते हैं। बायो बायो मीन्स होता है जहाँ पर लाइफ है, तो ऐसा एरिया अर्थ का वो भाग जहाँ पर प्लांट्स एनिमल इजीली कंफर्ट लाइफ में अपने डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं वो स्पेयर वो हमारा कहता है बायोस्फीयर। ठीक है, हमारा मेन क्या है बायोस्फीयर को कंसर्व करना, उसको सुरक्षित करना है हमको। ठीक है, तो क्या नाम है अब सुरक्षित कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप छोटे लेवल पे तो अपने आप कर सकते हो, लेकिन अगर बड़े लेवल होगा तो मान लीजिए बहुत बड़े एरिया को आपको अगर कंजर्व करना है तो वहाँ पर हम जो है वो सरकार की मदद लेते हैं। सरकार में इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं वो सिस्टम बनाए हुए हैं जिसकी वजह से हम जो हैं वो अपने फॉरेस्ट को अपने वाइल्ड लाइफ को कंफर्ट कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हमारे इंडिया में जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हैं जैसे मान लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब एक बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, और वहाँ बहुत बड़ा एरिया है, सरकार ने उसे अपनी गाइडलाइन में अपनी जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको सुरक्षित करा है, जो जिस हैबिट में है या जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में उन्होंने बोला कोई डिस्टर्बेंस मत करो वहाँ का, वहाँ के एनिमल्स को, वहाँ के ट्राइबल्स को, वहाँ को अपने जैसे रह रहे हैं वो, जैसे वहाँ के जो ट्राइबल्स होंगे वो एनिमल्स को और एनिमल्स होते हैं वो उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो होते हैं वो हेल्प करेंगे और उनको उनकी नेचुरल मतलब क्लाइमेट में नेचुरल बिहेवियर में नेचुरल तरीके से रहने दीजिए। तो लेकिन सुरक्षित कर दिया जाएगा ऐसा एरिया कि इसको कोई कर देगा नहीं। ठीक है, तो इसे कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ओके, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। किसी को भी नोट डाउन करना है कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, तो आप देख लीजिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक आए। पहले हमने कंजर्वेशन वर्ड जो है उसका मतलब समझा, फिर कंजर्वेशन, फिर उसके बाद में कंजर्वेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो समझा, और अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो उससे मेन जैसे कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट अगर नहीं करते हैं तो उससे इम्पैक्ट ये होगा जैसे डिफॉरेस्टेशन आप कर रहे हो, तो डिफॉरेस्टेशन के आपके फायदे कौन कौन से हैं, आप उनसे सब अपने खाना पीना ले रहे हो, फर्नीचर ले रहे हो, पेपर ले रहे हो, ये उनके फायदे हैं कि वो आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, है कि नहीं है। तो लेकिन आपको डिफॉरेस्टेशन करना क्यों पड़ रहा है वो भी है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे जो टॉपिक्स हैं, अगर आप इसको जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटों में लिखिएगा और अपने आप डिफॉरेस्टेशन के ऊपर जो होते हैं वो शॉर्ट नोट लिखिएगा। अच्छा, अगर जरूरत से ज़्यादा लंग टाइम तक हम डिफॉरेस्टेशन करते थे तो उसका इम्पैक्ट हम लोगों पर क्या पड़ेगा वो हम लोगों ने आज सीखा। प्लस इसके अलावा जो होते हैं क्या नाम है ये दो टॉपिक्स जो खासतौर पर फ्लड है, ड्रफ है, प्लस उसके अंदर है डेजर्टिफिकेशन है, ये टर्म्स क्या हैं और ये कौन कौन सी प्रोसेस कहलाएंगी वो हमने सीखी। इसके अलावा बायोस्फीयर कौन सा पोर्शन आता है अर्थ में, उसको कैसे कंजर्व किया जाता है वो हमने सीखा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है वो फर्स्ट वीडियो कंप्लीट होता है। नोट डाउन करके आज से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करना चालू कर दीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए बाय।